दोस्तों, कलयुग को देखकर यदि कोई ये कहे कि यह युग सबसे अच्छा है तो आपका दिमाग एक बार जरूर हिल जाएगा। ये युग कैसे अच्छा हो सकता है जिसमें भाई भाई का शत्रु बना हुआ है, माता पिता बच्चों के शत्रु बने हुए हैं, बच्चे माता पिता के शत्रु बने हुए हैं, मित्र मित्र का शत्रु बना हुआ है, तो ये युग कैसे संभव है? हर आदमी एक दूसरे को लूटना चाहता है, हर कोई एक दूसरे से पैसा ऐंठना चाहता है। जहां किसान से लेकर राजनेता तक सब कुछ भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है, हर कोई अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए किसी भी गलत काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहता, हर कोई किसी भी तरीके से बस पैसे कमाना चाहता है, तो ये युग भला कैसे अच्छा होगा? ऐसा ही रिएक्शन उन महर्षियों का भी था जिन्होंने महर्षि वेदव्यास के मुंह से ये शब्द सुने थे कि कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्या था ये प्रसंग, और उससे पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं उन युगों के बारे में जो युग कलयुग से पहले आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते कि हिंदू धर्म ग्रंथ में समय के कालखंड को चार युगों अर्थात सतयुग, सतयुग जिसमें राजा हरिश्चंद्र हुए और उन्होंने अपने स्वप्न में दिए गए वचन का भी पालन करते हुए अपना सर्वस्व त्याग दिया था और कठिन जीवन जिया था, ये था सतयुग का तप। यह युग सत्य का युग था। मनुष्य के भीतर वर्ष रूप धर्म अपने चारों पादों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता था। उसमें छल कपट या दंभ नहीं था। इसमें व्यक्ति का वचन ही उसके प्राणों से भी बढ़कर महत्व रखता था। उसके बाद युग आया त्रेता युग, किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के एक पाद से अभिभूत होकर अपने तीन अंशों से ही प्रतिष्ठित होता है, यानी धर्म केवल तीन टांगों पर खड़ा है और चौथी टांग को अधर्म ने कब्जा लिया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मनुष्य जीवन में 25% अधर्म आ जाएगा और बाकी 75% धर्म के सहारे ही इस युग का और मनुष्य का जीवन आगे बढ़ेगा। इस काल में भगवान परशुराम और भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण जैसे अधर्मी का वध कर पुनः धर्म की स्थापना की। उसके बाद युग आया द्वापर युग। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाएगा, आधे में अधर्म आकर मिल जाएगा। अगर आसान भाषा में समझाएं तो यानी 50% अधर्म रहेगा और 50% धर्म, यानी धर्म और अधर्म बिल्कुल बराबर तुलेंगे और इसी के सहारे जीवन आगे बढ़ेगा। इस काल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और अधर्म का नाश करके उन्हें धर्म की स्थापना की और आज जो चल रहा है वो है कलयुग। परंतु कलयुग आने पर अधर्म अपने तीन अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्य में प्रतिष्ठित होता है, यानी धर्म के तीन पैर अधर्म के कब्जे में हैं और एक ही पैर पर खड़ा धर्म इस युग को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक युग में मनुष्य की आयु वीर्य बुद्धि बल तथा तेज क्रमशः घटते रहे हैं, यानी सतयुग में जितना तेज मनुष्य में था, जितना बल था, जितना विवेक था, जितनी बुद्धि थी, जितनी स्थिरता थी, वो त्रेता युग में कम हुई और उसके बाद त्रेता युग से भी कम हुई द्वापर युग में और कलयुग में उससे भी ज्यादा कम हो गई है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मनुष्य जीवन में 75% अधर्म आ जाएगा, बाकी 25% धर्म के सहारे ही इस युग का जीवन बढ़ेगा, यानी यहां लगभग मनुष्य आपको भ्रष्टाचार से पीड़ित मिलेंगे, यानी 75% लोग ऐसे होंगे जिन्हें अधर्म का मार्ग सुहाएगा और 25% ही सिर्फ धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं वो कथा जिसमें सबसे ज्यादा कलयुग को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन विष्णु पुराण में महर्षि व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है। कारण ये है कि इस युग में बाकी युगों की अपेक्षा मनुष्य बड़ी ही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आइए जानते हैं वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी कुछ ऋषिगण वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि व्यास जी नदी में डुबकी लगाकर ध्यान कर रहे हैं। उन लोगों में महर्षि व्यास के दर्शन करने और उनसे ज्ञान लेने की लालसा मन में उठी। महर्षि व्यास स्नान कर रहे थे, अतः वे सभी महर्षि व्यास के स्नान और प्रभु स्तुति समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे।
फिर कुछ समय बाद जब महर्षि व्यास ध्यान से उठकर खड़े हुए तो उन्होंने उन ऋषियों से कहा कि युगों में कलयुग मानवों में शूद्र और इंसानों में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उन्होंने फिर जल में गोता लगाया और फिर कुछ समय बाद उठकर कहा, शूद्र तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही धन्य हो। यह कहकर वे महामुनि फिर जल में मग्न हो गए और फिर खड़े और बोले, स्त्रियां तू ही साधु है और तू ही धन्य है। इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई है ही नहीं। यह सुनकर गंगा के तट पर बैठे ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सभी आपस में बात करने लगे कि अब तक तो हमने सुना था कि युगों में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जबकि इंसानों में पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता है। फिर व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? उन्हीं साधुओं में से एक साधु ने कहा कि हम क्यों व्यर्थ के वार्तालाप में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। यदि यह वचन व्यास जी के मुख से निकले हैं, अवश्य ही इनमें कोई गूढ़ रहस्य होगा। क्यों ना हम इस प्रश्न का उत्तर स्वयं व्यास जी से ही ले लें। फिर कुछ समय बाद जब व्यास जी स्नान करने के बाद नित्य क्रम से निवृत्त होकर आए तो वे मुनिजन उनके पास पहुंचे। तब सत्यव्रती नंदन व्यास जी ने उनसे पूछा, आप लोग कैसे आए? तब मुनि ने उनसे कहा, हम लोग आपसे एक संदेह पूछने के लिए आए थे, परंतु इस समय उसे तो जाने दीजिए। एक और बात हमें बताइए, भगवान आपने जो स्नान करते समय कहा और बार बार कहा था कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियां ही साधु हैं और धन्य हैं, ये क्या बात है? हम यह संपूर्ण विषय सुनना चाहते हैं। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैंने जो इन्हें बारंबार साधु साधु कहा था, इसका कारण सुनो। फिर व्यास जी ने कहा, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में दिवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री हरि कृष्ण चंद्र का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुषों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैं कलयुग से अति संतुष्ट हूं और इसे सभी युगों में श्रेष्ठ भी मानता हूं। अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है ये बताता हूं। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर स्वधर्माचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं, जिसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण बन जाते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। सभी कामों में अनुचित करने से उन्हें दोष लगता है, यहाँ तक कि भोजन और जल आदि भी वे अपने इच्छानुसार नहीं भोग सकते, क्योंकि उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता रहती है। इस प्रकार वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोगों को प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पवित्र यज्ञ करने का अधिकार है, वह शूद्र द्विज की सेवा मात्र करने से सदगति प्राप्त कर लेता है, इसलिए वह अन्य जातियों की अपेक्षा धन्यतर है। हे मुनियों, शूद्र को भक्ष्य अभक्ष्य अथवा पेय अपेय का कोई नियम नहीं है, इसलिए मैंने उसे साधु कहा है। और अब स्त्रियों को इसलिए श्रेष्ठ कहा है वो भी बताता हूं। पुरुषों को अपने धर्मानुकूल प्राप्त किए हुए धन से ही सर्वदा सुपात्र को दान और विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते कि इस द्रव्य के उपार्जन तथा रक्षण में महान क्लेश होता है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है धन को इकट्ठा करने में और फिर उसकी सुरक्षा करने में, और इसको अनुचित कार्य में लगाने से भी मनुष्य को जो कष्ट भोगना पड़ता है। पुरुषगण इन तथा ऐसे ही अन्य कष्ट साध्य उपायों से क्रमशः प्रजापत्य आदि शुभ लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोगों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो पुरुषों को अत्यंत परिश्रम से मिलता है। इसलिए मैंने तीसरी बार ये कहा था कि स्त्रियां ही साधु हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास जी ने बताया कि जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्न से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है, और शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्री को पति की सेवा मात्र करने से अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से ये तीनों धान्यंतर हैं, क्योंकि सतयुग आदि अन्य 3 युगों में भी द्विजातियों को ही धर्म संपादन करने में महान कलेश उठाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस अत्यंत दुष्ट कलयुग में
एक और महान गुण है। किस युग में केवल कृष्णचंद्र का नाम संकीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। हे मुनिगण, इसलिए मेरी सलाह है कि कलयुग में मनुष्य अपने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए सदा श्री कृष्ण रूपी हरि का नाम जप करे और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में परम पद पाने के लिए अपने मार्ग पर प्रशस्त हो आगे बढ़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।